हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत करता हूँ आपका राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोल ऑफ टिश्यू कल्चर इन वेजिटेबल्स। तो देखो, स्पेशली हम इसमें हॉर्टिकल्चर्स को भी लेके चलेंगे। तो जो आज हमारा मेन टारगेट है, टिश्यू कल्चर एज ए प्लांट प्रोडक्शन टेक्निक इन वेजिटेबल्स। दोस्तों, चलते हैं हमारे टॉपिक पर। इससे पहले आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, इसको बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। और आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में रिलेटेड आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो देखते हैं, अभी चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर दोस्तों, टिश्यू मीन्स होता है ऊतक, कल्चर मीन्स होता है इसको उगाना। तो जैसा कि हमने आपको पहले क्लास में भी पढ़ाया था कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, कि पौधे के किसी भाग को लेके, जिसको एक्सप्लांट बोलते हैं, उसको लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल रूप से उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसमें जो इसमें लिखा है कि टिश्यू कल्चर इज द टर्म यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ग्रोइंग सेल आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी। देखो दोस्तों, चाहे सेल हो, चाहे टिश्यू हो, चाहे बहुत सारे टिश्यूज हो, मतलब लीव्स का एक पार्ट हो, वो सारा एक एक्सप्लांट कहलाता है, जिसको हम उसके अंदर उगाते हैं और ग्रो करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट ये है कि जो एक्सप्लांट है उसको कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। तो चलो आगे समझते हैं इसको। प्लांट टिश्यू कल्चर, टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन इन आर्टिफिशियली प्रिपेयर न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन इसको बोलते हैं दोस्तों, जो स्टेरिलाइज कंडीशन हो, जहाँ पर किसी इन्फेक्शन का डर ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर की क्या चाहिए हमें? अप्रोप्रियट टिश्यू चाहिए, एक क्या चाहिए, एक्सप्लांट चाहिए। क्या चाहिए? एक्सप्लांट, अप्रोप्रियट टिश्यू। एक्सप्लांट किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसको हम ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट बोलते हैं। अ सूटेबल ग्रोइंग मीडिया, और एक मीडियम चाहिए। मीडियम मीन्स हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए जिसमें हम उसको ग्रो कर सके, जैसे कि वो माध्यम लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सॉयल हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। बट टिश्यू कल्चर मेनली क्या होता है, जो लिक्विड मीडियम ही यूज करते हैं, जिसको एमएस मीडिया बोलते हैं, जो जनरली यूज होता है। तो सूटेबल ग्रोइंग मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब एक तरह से बोल लो कि मिट्टी के जैसा हमें बनाना पड़ता है। सम ऑफ द कॉमन मीडिया आर एमएस मीडिया, एलएस मीडिया, गैम्बोज मीडिया, बी5, वाइट, हेलर, बहुत सारे मीडिया आते हैं दोस्तों, बहुत सारे मीडिया आते हैं। दूसरा इसके लिए हमें क्या चाहिए? थर्ड पॉइंट, ग्रोथ रेगुलेटर्स मीन्स हॉर्मोन्स, मीन्स हॉर्मोन्स। देखो दोस्तों, हम हॉर्मोन्स के बारे में बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि बिना ग्रोथ रेगुलेटर्स के कहीं भी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। और क्या चाहिए? फ्रिक्वेंट सब कल्चरिंग हमें करना पड़ेगी, सब कल्चरिंग मीन्स उसको उगाना पड़ेगा। प्लांट सेल आर टोटिपोटेंस। टोटिपोटेंस किसको बोलते हैं दोस्तों? टोटिपोटेंस उसको बोलते हैं मेरे विद्यार्थियों, जिसमें अपने जैसा प्लांट बनाने की, ग्रो करने की क्षमता हो। ऐसी सेल जो एक पूर्ण प्लांट में ग्रो करके परिवर्तित तो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सप्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सप्लांट बोलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सप्लांट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही एक्सप्लांट क्या होता है? टोटिपोटेंट होता है। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। अब प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या क्या चीज हम कल्चरिंग कर सकते हैं?
तो आप देखिए दोस्तों हम क्या क्या चीज़ कल्चरिंग कर सकते हैं। तो इसमें सीड कल्चर कर सकते हैं, एम्ब्रियो कल्चर कर सकते हैं, मेरिस्टम कल्चर कर सकते हैं, बड कल्चर कर सकते हैं, कैलस कल्चर कर सकते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर कर सकते हैं, एंथर कल्चर, ओवरी कल्चर कर सकते हैं और प्रोटोप्लास्ट कल्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो क्या होते हैं, मेरिस्टम कल्चर जो हम जनरली करते हैं। क्या मेरिस्टम कल्चर? तो दोस्तों देखो सीड कल्चर में क्या करते हैं, हम सीड या सीड के किसी पार्ट को ग्रो करते हैं। किसको? सीड या सीड के किसी पार्ट को हम ग्रो करते हैं। दूसरा एम्ब्रियो कल्चर में क्या करते हैं, हम एम्ब्रियो ग्रो करेंगे। और मेरिस्टम कल्चर में क्या करेंगे कि जो प्लांट का अपेक्स पार्ट होता है, जैसे कि ये देखो ये जो बड बोलते हैं ना, अपेक्स पार्ट, इस तरह का ग्रो करते हैं। बड कल्चर में ओनली बड लेते हैं। अपेक्स भाग किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे ये प्लांट है, ये जो भाग है प्लांट का, ये जो भाग है इसको अपेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम एक अलग, इसके लिए अलग शब्द होता है। ये एक्चुअली ये मेरिस्टेम नहीं होता। मेरिस्टेम क्या होता है कि प्लांट को जैसे कट करते हैं तो उसके पीछे जो सेंटर पार्ट होता है उसको मेरिस्टेम बोलते हैं, तो उसको यूज करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, बड कल्चर में ओनली बड कलिका को यूज करते हैं। कैलस में किसको करते हैं दोस्तों, किसी सेल को ग्रो करने पर जो एक थक्का सा बन जाता है, देखो ये बन गया कैलस। एक हमने जो एक्सप्लांट लिया उसके जो ग्रो किया जो सेल, और ये बन गया ग्रुप ऑफ सेल, इसको बोलते हैं कैलस। तो इस कैलस को हम लोग यूज करते हैं। सेल सस्पेंशन, सेल सस्पेंशन ये होता है दोस्तों कि इसमें बहुत सारे जो सेल्स को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उसको डाल देते हैं एक लिक्विड मीडियम में, उसको सस्पेंशन बन जाता है। एंथर ओवरी कल्चर में आपको बताया दोस्तों, पराग परागकण और क्या बोलते हैं ओवरी को हिंदी में, आप देख लीजिए ओवरी का कल्चरिंग करते हैं। प्रोटोप्लास्ट में क्या करते हैं, जो सेल जो होती है दोस्तों, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, अगर साइटोप्लाज्म से सारे इसमें ऑर्गेन्स निकाल दें तो उसमें जो बचता है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, तो उसका भी कल्चर हम करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ पर क्या क्या ग्रो करते हैं। तो चलो अब हम समझ लेते हैं अब ये कि एक प्रोसेस क्या होती है इसको ग्रो करने की। टिश्यू सैंपल फ्रॉम द एनी रीजन ऑफ द एडल्ट प्लांट इज कॉल्ड एज इस कल्चर, सॉरी इस कल्चर। और तो इसमें क्या होता है, देखो मान लो ये पूरा प्लांट है, तो इसका देखो या तो रूट ले लो, या स्टेम ले लो, या फिर लीफ का कोई पार्ट ले लो, बड ले लो, या फिर इसका अंदर से मेरिस्टेम ले लो, ये सारे को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इन ग्रो क्या बोलते हैं, टिश्यू सैंपल और एक्सप्लांट। इसको हम पेट्री डिश, इसको पेट्री डिश बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, पेट्री डिश बोलते हैं। तो इस पेटी डिश को क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉरी इसको पेटी डिश बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक लिक्विड मीडियम होता है अंदर, इसको एमएस मीडियम अगर आप चाहो तो अपन एक नाम रख लेते हैं एमएस मीडियम। इसमें जो है एक्स प्लांट को अपन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। किसको? एक्स प्लांट को, इसमें ग्रो करते हैं। ए एक्स प्लांट में जब सेल में माइटोसिस होता है तो इसमें बहुत सारी सेल्स जो बन जाती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से ये पूरा गुच्छा बन जाता है सेल का। इसको बोलते हैं सेल का कैलस, ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज सेल कैलस, या फिर आप ये बोल लो कि ये ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज कैलस। दोस्तों अब इसके बाद इस कैलस का क्या करते हैं, कल्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसको कल्चर करते हैं। कहाँ पर? एक लिक्विड मीडियम में। ये भी एक मीडियम में ग्रो किया, यहाँ पर क्या होता है, एक मीडियम को वीकर में लेके सस्पेंशन तरह इसको हम डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये ग्रो होता रहता है। किसमें? इसमें ग्रो होता रहता है, ये बीकर में। इस बीकर में अगर ये जो सही से ग्रो हो जाता है तो हम इसको टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और अगर ये ग्रो में अगर काला पड़ जाता है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो एक ये प्रोसेस है किसका, टिश्यू कल्चर का, आपको ये लिखना है। अब प्रोसेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, अब देखो प्री प्लांट, ये प्लांट लिया, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट फ्रॉम द मदर प्लांट। मदर प्लांट उसको बोलते हैं जिस प्लांट से हम जो पार्ट निकालते हैं उसको मदर प्लांट बोलते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट फ्रॉम द मदर प्लांट, तो हमने ये सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट लिया। हमने एक्सप्लांट का मतलब हमें कौन सा पार्ट यूज करना है, इसमें लीव्स, टिश्यू,
रूट, मेरिस्टेम जो भी है, अब इसको इनोकुलेशन करना है। इसको इनोकुलेट करते हैं मीन्स इसको अंदर डालते हैं, किसमें, इसे मीडियम में इनोकुलेट करते हैं पहले। इससे पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें, किसका स्टरलाइजेशन करना है, वॉशिंग करना है, कटिंग करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लाइट एंड वार्म अप ऑफ द सूट इनिशिएशन, ये एक चैम्बर होता है, टिश्यू कल्चर का एक पूरा लैब होती है, उसमें ये लाइटनिंग वगैरह अपन रखते हैं। दूसरा जो मैंने, प्लांट्स आर केप्ट फॉर हार्डनिंग इन ग्रीन हाउस। हार्डनिंग, देखो दोस्तों, हार्डनिंग का मीनिंग ये होता है कि हम क्या करें कि लैब से प्लांट को लाके पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में उसको रख दें। इससे क्या हो, वो थोड़ा सा वहाँ पर लाइट लगेगी और जो अपने हाईली कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा तो थोड़ा सा उसको टेंशन होगा, टेंशन होगा तो उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल स्ट्रांग परिवर्तन होंगे जिससे प्लांट हार्ड हो जाएगा, मीन्स इट्स एबल टू ग्रो इन फील्ड। तो इसमें हम पहले हार्डनिंग करते हैं, किसमें, ग्रीन हाउस में। नेक्स्ट क्या है, सूट्स आर ट्रांसफर टू द रूटिंग मीडिया हायर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। और इसमें क्या है, तो इसके डायरेक्ट बात दोस्तों, ये सॉरी, ये यहाँ से इस तरह से आना चाहिए था। लाइटनिंग के बाद कैलस कैलस फॉर्मेशन हो गया। कैलस फॉर्मेशन के बाद हमने इसको अलग अलग बीकर्स में सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग बीकर्स में सेपरेट करते हैं और इसके बाद हम इसको सेपरेट करके लैब के अलग अलग पार्ट्स में, जगह में रख दे हैं। इसमें मीडियम का हायर कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन करते हैं जिससे सूट फॉर्मेशन अच्छा हो सके। अब इसको हार्डनिंग कर लेते हैं। हार्डनिंग के बाद डार्ट क्या करते हैं, इसको मेन फील्ड में ले आते हैं। मेन फील्ड में ले आए, प्लांट सच जी है, द रूटेड शूट्स आर पोटेड अप, मीन्स इसको पॉट में लगा दिया, पॉट में लगा दिए एंड हार्डनिंग अप, इसका हार्डनिंग चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, दिस इज नेसेसरी एज द मैनी यंग टिश्यू कल्चर प्लांट हैव नो वैक्सीड क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो दोस्तों इसमें ये है, दिस इज नेसेसरी एज द मैनी यंग टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैव नो वैक्सी क्यूटिकल। मीन देखो, आपने वैक्सी क्यूटिकल क्या होती है, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स के ऊपर मोम जैसी लेयर होती है, पतली सी, जो मोम की जैसी लेयर होती है पत्ती के ऊपर, उसको इसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्यूटिकल के जो उसका ट्रांसमिशन रोकती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। टिश्यू कल्चर प्लांट सोल्ड टू द नर्सरी एंड देन पोटेड अप, ये है, इसको नर्सरी मान लो, इस यहाँ से इसको हम या सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तैयार हो गए। अब आपको टिश्यू कल्चर समझ में आ गई होगी कि टिश्यू कल्चर का प्रोसेस क्या है। हम दूसरा इसमें एक चीज नहीं बताई गई है, देखो यहाँ पर टिश्यू कल्चर में जब हम सबसे पहले लेते हैं तो हमें स्टरिलेशन करना पड़ता है, ये सब, ये सारी चीज हो गई। इसमें एक चीज नहीं बताई है कि स्टरिलाइजेशन करते हैं, प्री प्लांट सिलेक्शन हो गया, अभी इनोकुलेशन वगैरह से लेके हम स्टरलाइजेशन ऑफ वीकर, स्टरलाइजेशन ऑफ टेस्ट ट्यूब, स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स जैसे कैच, जो सीजर वगैरह जो है, स्टरलाइजेशन ऑफ होल चैम्बर, जिस इससे स्टरलाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल से भी करते हैं इसमें, और लैब डिटर्जेंट से भी कर लेते हैं। तो स्टरलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें टेम्परेचर वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ें और डीप नहीं बताई है। तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द टिश्यू कल्चर, ग्रोथ मीडिया। अब ग्रोथ मीडिया में क्या क्या होते हैं, देखो ग्रोथ मीडिया में क्या क्या होते हैं आपको हम बताते हैं। ग्रोथ मीडिया में मिनरल होंगे, ग्रोथ फैक्टर्स होंगे, कार्बन सोर्स होगा, हॉर्मोन्स होंगे। मिनरल में सभी जो है माइक्रो मैक्रो माइक्रो मिनरल्स लेंगे, ग्रोथ फैक्टर में जो है सारे जो भी उसके आवश्यक कार्बोहाइड्रेट शुगर्स वगैरह सारे लेंगे, कार्बन सोर्स में जो भी कार्बन का क्या सोर्स रहेगा वो लेंगे, हॉर्मोन्स लेंगे। अब इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइट, इसमें लाइटिंग कौन सा रहते हैं दोस्तों, इसमें ट्यूबलाइट यूज करते हैं क्योंकि इसमें सारा क्रोम होता है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं। फोटो पीरियड इसमें चेक करते हैं कि लॉन्ग डे चाहिए कि शॉर्ट डे चाहिए इस पर प्लांट। स्टेरिलिटी, सारे मीडिया सारे सब कुछ को स्टेरिलाइज करते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, आप समझ गए हो जो मैं बोल रहा हूँ। अब एक्सप्लांट सोर्स, एक्सप्लांट का सोर्स क्या है, जैसे यूजुअली जी है, यूजुअली द यंगर लेस डिफरेंशिएटेड एक्सप्लांट द बेटर फॉर टिश्यू कल्चर। आप समझ रहे हो कि जो
यंग प्लांट होते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन कम से कम होता है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है कि जिसमें इसके अंदर डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि इसके अंदर जो है ना ऑर्गन्स का फॉर्मेशंस ना हुआ हो, सेल किसी पर्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व ना हुई हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो दूसरा क्या है, इसमें जो डिफरेंशिएशन नहीं होता वो सेल बेटर होती है। डिफरेंट स्पीशीज सो डिफरेंट डिफरेंस इन अमेबिलिटी इन टिश्यू कल्चर। ये क्या है, डिफरेंट स्पीशीज जो अलग 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 प्लांट होता है, जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं, फैमिली होती हैं, उनकी जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। इन मैनी केसेस डिफरेंट जीनोटाइप विद इन द स्पीशीज विल बी हैव वेरिएबिलिटी रिस्पॉन्स। इवन दैट ये देखा गया है कि अगर प्लांट मान लो कि एक टमाटर की स्पीशीज है या टमाटर की, तो उस सेम उसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएबिलिटी अलग अलग स्पीशीज में भी पाई जाती हैं। टिश्यू कल्चर एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं दोस्तों, टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस कैसे होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन होता है, जर्म प्लास प्रिजर्वेशन होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन इसको बोलते हैं दोस्तों कि ये अभी इसको आगे और पढ़ लेते हैं, दो आगे बताते हैं। सोमाक्लोन वेरिएशंस करने हैप्लॉयड एंड डाईहैप्लॉयड प्रोडक्शन के लिए करते हैं, इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन के लिए करते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू के लिए, सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस आपको याद रख लो दोस्तों मेरे दोस्तों, कि टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होगा, माइक्रो प्रोपेगेशन, जर्म प्लास्ट प्रिजर्वेशन, सोमाक्लोन वेरिएशंस, हैप्लॉयड एंड डाईहैप्लॉयड प्रोडक्शंस, इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशंस, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, एम्ब्रियो रेस्क्यू और सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन। तो दोस्तों ये सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है, सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं आर्टिफिशियल रूप से। अब ये हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स इन विट्रो इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन। देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकल आइडेंटिकल की बात कर रहा है वो, कैसी जेनेटिकल आइडेंटिकल की बात कर रहा है कि लैब के अंदर हमको बहुत सारे प्लांट बनाना है, बट वो कैसे होने चाहिए जेनेटिकल आइडेंटिकल, मतलब उनका जो डीएनए आरएनए है सिमिलर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जेनेटिकल आइडेंटिकल बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि माइक्रो प्रोपेगेशन किसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि जो सेल है उसका जो जेनेटिकल लेवल है वैसा ही जो प्रोजेनी बन रही है, दूसरे प्लांट्स बन रहे हैं उससे, उसका भी जेनेटिकल लेवल सेम होना चाहिए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल क्लोन्स मीन्स एक जैसे, क्लोन्स मीन्स टू टू टाइप सेम एज मदर, इन विट्रो इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन। अब इसको आप समझ लिए, वो कह रहा है कि लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन करना है जेनेटिकल आइडेंट क्लोन्स का इन विट्रो मीन्स सेल लैब के अंदर, उसको माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ सूट टिप फ्रॉम द स्मॉल स्पीसीज ऑफ प्लांट टिश्यू इज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड स्पेस। वो बोला है कि मिलियंस ऑफ सूट टिप्स फ्रॉम द, कहाँ से, एक हमें अगर एक्सप्लांट की बात करें या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्टेड प्लांट की बात करें, तो इसमें क्या बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्लांट्स का प्रोडक्शन हो जाता है, और इसके लिए हमें क्या है कि कई सारी सूट टिप्स भी अवेलेबल रहती हैं, इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मेंटेन जेनेटिकली इन्फॉर्मेटिव प्रोजेनी, अब इसमें क्या होता है कि जेनेटिकल वेरिएशंस नहीं होते हैं, कैसे जेनेटिकल वेरिएशंस नहीं होते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग होता है दोस्तों एक जैसे रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, यहाँ किसी का कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई इसका जेनेटिकल क्वेश्चन चेंज हो जाए। तो कैन प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द प्लांट रिक्वायर दैट द डिजायरेबल, हम वैसी कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसा हमको चाहिए, मीन्स टू टू टाइप को क्लोन एक से एक जैसे कर सकते हैं।
तो इसमें एक है कि भैया कम समय में, कम स्पेस में, कम से कम जगह में इसको अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, सप्लाई ऑफ द प्लांट थ्रू द ईयर, इसमें किसी सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, हम इसमें कभी भी प्लांट की सप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर किसी विशेष, क्योंकि कंट्रोल कंडीशन में होते हैं सारे, तो यहाँ पर हमें विशेष सीजन की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कर सकते हैं कभी भी उत्पादन। कमर्शियल एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या है इसके, माइक्रो प्रोपेगेशन ऑफ ऑर्किड। देखो ऑर्किड में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैंगो में आपको पता है, सॉरी बनाना में इसका बहुत, पपाया में, पोटैटो, जरबेरा, कार्नेशन, एंथूरियम, एप्पल, पियर। तो हमारे लिए यहाँ पर जो यूजफुल एग्जाम्पल कौन सा है, पोटैटो है। क्या है? पोटैटो है। तो दोस्तों इसे कमर्शियल एप्लीकेशन पोटैटो, टमेटो में, सोलनिशस में इसमें बहुत कर रहे हैं। दूसरा, इसको अपन आजकल पार्थिनो कार्पे कुकुम्बर जो कि डेवलप, सॉरी जो डेवलप करते हैं, उसमें भी काफ़ी इसका योगदान होता है। इससे दूसरा ये है कि दोस्तों वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल हमें को मिलता है। कैसा? वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल मिलता है। अमंग द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ऑफ द माइक्रो प्रोपेगेशन, द कंसेप्ट ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस विद अ सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन और आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन इज वेरी प्रोमिसिंग। ये बोल रहा है कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी में माइक्रो प्रोपेगेशन जो कंसेप्ट है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये जो इसमें कर सकते हैं, सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। क्या है दोस्तों? जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि हम जो जर्म प्लाज्म होता है, जर्म प्लाज्म में चाहे प्लांट हो, चाहे एक्सप्लांट हो, चाहे टिश्यू हो, चाहे सेल हो, चाहे उसका प्रोटोप्लाज्म हो, सीड हो, इसको हम कंजर्व करते हैं। कंजर्व मीन्स इसको मेंटेन करके रखते हैं। इसको कैसे भी एडवर्स कंडीशन में खराब नहीं होता है, मीन्स कभी चाहे सूखा पड़ जाए, क्लाइमेट की भी फ्लक्चुएशन, कहीं भी फ्लक्चुएशन आए, ये खराब नहीं होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन इसको बोलते हैं कि हम अपने जर्म प्लाज्म को, चाहे वो प्लांट पौधा कुछ भी है, उसको हम हमारे फ्यूचर पर्पस के लिए, फ्यूचर पर्पस के लिए, जैसे कि फ्यूचर है, चाहे उसको हाइब्रिडाइजेशन यूज करें, चाहे उसको हम बायोटेक्नोलॉजी यूज करें, चाहे टिश्यू कल्चर यूज करें, उसके लिए हम उसको फ्यूचर में रख सकते हैं। तो इसको, ये दो तरह का होता है, इनसीटू कंजर्वेशन और एक्सीटू कंजर्वेशन। देखो दोस्तों, ये बेस्ड ऑन क्लाइमेट के अनुसार किया है, कि क्लाइमेट के अंदर और क्लाइमेट के बाहर। तो इंसिटू मीन्स होगा कि इन इन द कंट्रोल ऑफ नेचर, हम वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, जैसे कि आज जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये नेशनल पार्क होते हैं, तो इनमें कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होती है, तो वो इंसिटू होता है, क्यों? वो नेचर के अंदर है। जबकि एक्सीटू में क्या होते हैं, हम जो जीन बैंक्स जो होते हैं और जो उनमें सीड बैंक जो होते हैं, उनमें हम उसको कंजर्व करते हैं, जहाँ पे जो लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड CO2 है, इसमें बहुत लो टेम्परेचर पर इसमें हम कंजर्व करते हैं। तो दोस्तों, प्लांट स्पीसीज विच आर इंडेंजर्ड, इसमें उनको भी हम कंजर्व कर सकते हैं, जो जो प्लांट स्पीसीज विलुप्त होने की कगार पर हैं, रेयर हैं और एग्जिस्टिंग आर नीडेड, और हमको क्या है, इनको बाद में हमें ज़रूरत है। कंजर्व बाय एक्सीटू मेथड ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, ये किससे कि कंजर्वेशन, एक्सीटू मेथड से इसको हम लैब वगैरह के अंदर कंजर्व करते हैं। फॉर कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू ग्रोइंग प्लांट अंडर द फील्ड कंडीशन, नर्सरी और ग्रीन हाउस। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म आर रियली इफेक्टिव इन कंजर्वेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये भी एक तरह क्रायो प्रिजर्वेशन जो मैं आपको बता रहा था, लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं और CO2 में करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए था माइक्रो प्रोपिगेशन। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों, एडवांटेज ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के फायदे क्या हैं। देखो दोस्तों, सबसे फायदा यही होता है कि ये बहुत फास्ट मेथड होती है,
इसमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन, बहुत नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा हम लोग इजीली डेवलप कर सकते हैं। इसमें हमें किसी भी क्लाइमेट की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें भाई बरसात में करना है कि उसमें करना है। ये सारे प्लांट्स टू टू टाइप कर सकते हैं, हम इनसे हैप्लॉइड प्रोडक्शन कर सकते हैं, टू टाइप कर सकते हैं, क्लोन्स बना सकते हैं, इससे वेरिएशंस कर सकते हैं हम लोग। ये इसके फायदे हैं। वेरिएशंस करेंगे तो आगे फ्यूचर में क्या करेगा वो कि इसको ब्रीडिंग में हमारा काम है आ जाएगा। दूसरा ये है कि इसमें हम किसी भी क्रॉप्स को ले सकते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स में जो कुछ प्लांट तो कमर्शियल यूज हो रहा है, जैसे कि आप लोग ऑर्किड देख लीजिए, टोमेटो है, ब्रिंजल है और पोटैटो है। पोटैटो मतलब बहुत ज़्यादा कमर्शियल है। तो इस तरह के ये क्रॉप्स में भी ये किसी भी क्रॉप्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं, वेरिएशंस कर सकते हैं। आपको बता दिया है द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ सीड, बिना सीड के भी हम प्लांट बना सकते हैं इसमें से पत्ती जल के थ्रू। और दूसरे से वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट बना जा सकते हैं। तो ये सारे इसके फायदे हैं दोस्तों। अपन देखिए प्लांट टिश्यू बैंक कैन बी फ्रोजन, ये सब इसके फायदे हैं कि हम इसको कंजर्व करके रख सकते हैं। तो हमने जो भी जो बताए हैं वो सारे इसमें हैं। आप चाहो तो इसको पॉज करके देख लो दोस्तों कि इसमें क्या क्या अपनों एडवांटेज हैं। दूसरा जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, डिसएडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, तो इसके दुष्प्रभाव क्या है दोस्तों। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी अपियर एज ए कल्चर एज। इसमें क्या होता है, कभी भी क्रोमोसोम्स में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म कल्चर लॉस जेनेटिक रीजनरेटिव पोटेंशियल। और जो बार बार हम कल्चरिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक बेसिस में क्षरण होता है, जिससे क्या है लूज या रीजनरेटिव पोटेंशियल जो है कम हो जाता है, इसका रीजनरेटिव पोटेंशियल कम हो जाता है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। इसके से भी इसमें क्या होता है कि ट्रेंड पर्सन चाहिए होता है, ऐसा नहीं कोई भी नहीं कर सकता है। ये इस पे प्लांट और इस पे स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। इसको ये नहीं है कि भाई सारी वेराइटियाँ एक ही प्लांट से बना दो, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हो जाती है। यही सारे इसके डिसएडवांटेज हैं दोस्तों। 100% आइडेंटिकल बनाने में कभी कभी परेशानी होती है, तो ये भी एक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद आपके लिए कि आपने हमारा ये चैनल देखा और इसमें अच्छे से सुना। प्यारे दोस्तों, इस लॉकडाउन में सभी लोग घर पर हैं, आप स्वस्थ रहें, अपने मम्मी पापा को भी स्वस्थ रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। और हमारे चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट्स लाते रहेंगे। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जो बेल आइकन है उसको दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।